आज मैं यहाँ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ। आज आप ये कह सकते हैं कि मैं देवगन फिल्म्स का बहुत ही पुराना एम्प्लॉय हूँ, उस हैसियत से आया हूँ। मेरी कहानी की जर्नी एक नाम के बिना अधूरी है और वो नाम है अजय देवगन। आप सब उसे अजय देवगन कहते हैं, मैं बॉस कहता हूं। 30 साल साथ बिताया हम लोगों ने। ये रिश्ता चंद फ्राइडेज का नहीं है, 2 generations का है। और आज मैं यहां इसीलिए हूं कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, ये सपना अजय ने आज से 30 साल पहले देखा था कि ऑडियंस के लिए एक ऐसा विजुअल क्रिएट करें कि उनके लिए लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस बन जाए। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब अजय का यह सपना पूरा हुआ, ये उनकी 100th film है। 100 फिल्में, 2 words, 100 films। लेकिन इसके पीछे 30 साल की जर्नी रही है इस इंसान की, डेडिकेशन रहा है, ऑनेस्टी रही है, कमिटमेंट रहा है। आप लोग अब जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आसान नहीं था। इसके पीछे पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। अजय सर की खुद की कंपनी NYVFX वाला, ओम राउत द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, अजय एज अ प्रोड्यूसर, सेफ, बहुत लोगों की मेहनत है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आप लोगों ने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा। लेकिन उससे पहले जिस इंसान का ये विजन था कंपनी फॉर्म करना, यहां तक पहुंचना, मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम अजय देवगन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का सबसे पहले यहाँ आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और रोहित ने इतनी सारी बातें बोल दी हैं। मेरी जर्नी आई थिंक रोहित के बिना वैसे भी कंप्लीट नहीं होती। जब हमने काम शुरू किया था, ही जॉइंट एज एन असिस्टेंट, और तब से ही इज बिन पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं एक बात सच्ची कहूँगा कि आज तक इतना प्राइड मैं किसी में नहीं लेता हूँ जितना रोहित में लेता हूँ कि अ बॉय हु स्टार्टेड विथ मी, आज देखिए आप कहाँ पहुँच गया। सिर्फ अपनी मेहनत से, लगन से, शुरू में सीख के, और अब आप सबने देखा क्या है। सो थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। और हाईलाइट ये है कि हमारी जर्नी 30 साल पहले जब शुरू हुई, हमारा ऑफिस सामने था, अभी भी है सामने की बिल्डिंग में। मतलब कमाल की बात है, कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद 100 फिल्म्स होंगी, यहाँ पहुँचेंगे, सामने आएंगे आप लोग के सामने। सर दिस वन थिंग, अजय सर आपसे पूछना चाहूँगा मैं यहाँ सर को, मैंने इतना इमोशनल रोहित सर को इससे पहले कभी नहीं देखा है। यू नो ही इज़ लाइक सो ओवरवेलम्ड बाय ऑल दिस। आप मुझे बोलें कि जब वो शुरुआत हो रही थी, जैसा उन्होंने कहा जर्नी की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय सर वो लड़कपन में कुछ वैसा वाला कोई किस्सा बनता है सर? मत पूछो भी। मतलब काम के अलावा जो हरकतें लोग बचपन में 15-16 साल की उम्र में करते थे, हम ऐसा शायद 22-23-24 साल की उम्र में करते थे। मेरे डैड बहुत नाराज़ होते थे एक दूसरे की, हम बातें छुपाते थे, मार खाते थे एक दूसरे के लिए, डांट खाते थे, और एक दूसरे के लिए बहुत झूठ भी बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको झूठ बोलना है, सिर्फ अगर किसी को ट्रेलर पसंद नहीं आए तो वो झूठ बोलेगा कि बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो झूठ बोलने की नौबत नहीं आएगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ।